सो हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट शुरू किया था, चलिए उसमें से हम लोग आज पहला एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्वेश्चन ओके 3.3 का। तो इसमें कहता क्या है कि आपको चेक करना है डिविजिबिलिटी 4 और 8 से। सो देखिए, सबसे पहले हमें नंबर दिया गया 5500 ओके। तो रूल कहते हैं कि आपको वंस और टेंस के डिजिट को मिलानी है और जो नंबर बनता है उसको चेक करना है क्या ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं। तो वंस और टेंस पर तो जीरो है, मतलब एक नंबर बन रहा है जीरो, तो जीरो तो 4 से डिवाइड होगा, ये तो सभी से डिविजिबल है, मतलब कि 5500 भी 4 से डिविजिबल होगा ओके। सो नेक्स्ट है 8 से। देखिए 8 का रूल कहता है कि आपको 1, 10 और 100 के डिजिट्स मिलाने हैं और फिर देखना है क्या ये डिविजिबल होता है 8 से या नहीं। तो 1, 10 और 100 के डिजिट्स हमने मिलाया तो ये तो 500 बनता है ओके, 1, 10 और 100 के। तो 500 तो 8 से डिवाइड होगा ही नहीं, सो आपको लिख देना है कि सो 5500 इज नॉट डिविजिबल बाय 8 सिंपली ओके। आई होप ये आपने समझ लिया होगा ओके। तो द रेस्ट क्वेश्चंस आप खुद से बनाइए। देखिए सेकंड नंबर पर 9162 ओके 9162, इसमें 3 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 2 नंबर, डिविजिबिलिटी बाय 3, 6 एंड 9, 3 नंबर से चेक करनी है आपको। तो देखिए रूल क्या कहते हैं, हम लोग को वही लेना है बाय 3 से कैसे चेक करेंगे आप। देखिए 3 का रूल कहते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, तो मतलब कि डिजिट्स को आप सम अप करोगे तो जो मिलेगा आपको सम वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। तो हम लोग ऐड करते हैं 9162, तो ये 18 दे रहा है ओके, और वी नो 18 इज डिविजिबल बाय 3 ओके। देखिए अब 3 से 18 डिवाइड होगा, 3, 6 और 18, इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल है। अभी दूसरा कहता है 6 से, 6 से चेक करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि ये 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ये इसका रूल ही है, मेथड ही है। तो 2 के लिए हम लोग जाते हैं, है ना, चूंकि इसके यूनिट प्लेस का डिजिट 2 है मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा ओके, क्योंकि 2 से डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी थी कि ये 0, 2, 4, 6 इस तरह से इवन डिजिट होने चाहिए, तो ये 2 से डिविजिबल है। अगेन फिर से देखिए 3 से चेक करते हैं, तो 3 से तो ये है ही, हमने ऊपर ही चेक किया है ना, तो ये 3 से डिविजिबल है ही, मतलब कि ये 6 से भी डिविजिबल होगा ओके। अगर 2 और 3 से है तो 6 से भी होगा, तो इट इज डिविजिबल ऑल्सो, डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो, क्लियर। मतलब लास्ट देखते हैं 9 से, तो देखिए 9 का भी रूल वही कहता है कि सम ऑफ द डिजिट्स आप कीजिए तो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 89 के टेबल में आता है, मतलब 89 से डिविजिबल है, तो पूरे नंबर्स भी 9 से डिविजिबल होंगे। सो मुझे लगता है कि आपने जो आप लोग जो बचे हुए क्वेश्चन है वो खुद से कर सकते हैं ओके। सो आप कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपको चेक करनी है 5 से और 10 से डिविजिबल है या नहीं है। सो दोनों के लिए प्रोसेस तो सेम है कि अगर 5 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उसके यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होने चाहिए ओके, और 10 का है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 होने चाहिए। तो देखिए चूंकि इसके यूनिट प्लेस पर 0 है तो ये 5 से डिविजिबल है ओके। 10 की बात है तो अगर ये यूनिट पर 0 है तो ये 10 से भी डिविजिबल होगा ओके। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं 3 नंबर तक।